हेलो गाइस, प्रजापति स्टोर में आपका स्वागत है। मैं आपको एक स्ट्रेटजी आज और बताने वाला हूँ जिसको यूज़ कर आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो। पिछली बार लास्ट में मैंने बताया कि जो आप यूज़ करते हो, लेकिन मैं जो भी स्ट्रेटजी बताता हूँ या कोई भी ट्रेडर एक स्ट्रेटजी बताता है अपने अपने उसी स्ट्रेटजी पे आपको काम करना है, लगभग कंटिन्यू काम करना। 1 महीने 2 महीने काम करोगे उसी स्ट्रेटजी पर तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा उसके ऊपर, और आपको जब वो ट्रेड प्रॉफिटेबल दिखने लगेगी तो आपको समझ में आएगा कि ये वो स्ट्रेटजीज कैसे काम करती है और उसको कैसे यूज़ करना। आज वाली जो है मैं आपको अभी बता देता हूँ कि उसको कैसे यूज़ करना है, क्या है आपका स्टॉप लॉस, क्या कैसे क्या रहना चाहिए, कितनी ट्रेड होनी चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में आपको बताता हूँ। चलो देखते हैं पूरा वीडियो कैसे क्या करना है आपको। कुछ नहीं करना, सिंपल सी ट्रेड है, सिंपल सी ट्रेड लेनी है आपको। कैसे करना, जब मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के 15 मिनट की जो कैंडल बनती है, 15 मिनट की जो कैंडल बनती है, 15 मिनट की कैंडल के ऊपर, 15 मिनट की कैंडल के ऊपर एक हाई और लो पॉइंट पे आपको एक वो लगाना है, लाइन ड्रॉ करनी है, दो लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि 15 मिनट की कैंडल है, मॉर्निंग की सबसे पहली 15 मिनट की कैंडल के ऊपर और नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है, हाई उसके हाई पे और इसके लो पे और उसके हाई पे, ठीक है। जब इसको ब्रेक करता है, एक ये वाला रूल्स लिख लीजिए आप कि कैसे इसको यूज़ करना है। जब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के ऊपर हाई और लो के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ के ब्रेक करने के बाद दूसरी कैंडल उसको अगर उसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने पर उसको आपको ट्रेड यहाँ पे लेनी है, ब्रेक करने के ऊपर आपको ट्रेड लेनी है। यहाँ अपने आप ट्रेड ली, आपका जो एसएल रहेगा वो इस लाइन के नीचे रहेगा, इस लाइन के यहाँ पे आपका एसएल रहेगा। जब तक इसको ब्रेक ना करे, जब तक इसको ब्रेक नहीं करे तब तक आपका एसएल हिट नहीं होना चाहिए, एसएल हिट नहीं होना चाहिए। और ट्रेड लेनी ही कम से कम दो ट्रेड आपको लेनी है, दिन की दो ट्रेड ही आपको लेनी है, दो ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है, इसके अंदर फंसना नहीं। फिर सिंपल सा लॉजिक है, वो आपको यूज़ करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्या मुझे यूज़ करना है। देखिए 15 मिनट कैंडल को इसको ब्रेक किया, इसने भी ब्रेक किया, यहाँ पे अपने ट्रेड बुक ट्रेड ली और यहाँ पे आपने ऐसे लगाया तो मार्केट कितना ऊपर गया, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को ब्रेक होने के बाद अपसाइड या डाउन साइड, ये एक रूल्स बना ली कि जब तक 15 मिनट की कैनल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है। कैसे, ये देखिए, ये 15 मिनट कैनल, ठीक है, ये रेड वाली, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ट्रेड ली, हाँ ले, ये ऐसे लेट हुआ, यहाँ पर वापिस ऐसे लुटा, दो बार ऐसे लुट गया, आपको फिर ट्रेड लेने ली है और क्वांटिटी कम ही रखनी है। और आपको जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम एक बार होना चाहिए 50 to 60 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 80 to 90% आपको 80 to 90% आपको 50 से 60 पॉइंट आपको मिल जाएंगे अगर एग्जीक्यूट सही टाइम पे, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर ब्रेक करने के बाद एग्जीक्यूट कर दिया और मिल ही जाएंगे। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लगा देता है तो आपको हमेशा वो ट्रेड हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहने वाली है, ठीक है। आपको रूल्स लिख दीजिए, सबसे पहले 15 मिनट की कैंडल हाई लो पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, उसको ब्रेक करें, उसके बाद ही ट्रेड लेनी है। फिर आपको जो एसएल जो होना चाहिए वो उस लाइन के नीचे होना चाहिए और कम से कम दो ट्रेड होनी चाहिए, मैक्सिमम दो ट्रेड होनी चाहिए, एक या दो ट्रेड होनी चाहिए, उसके ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं करनी है। देखिए मैं आपको आगे के मैं आपको वीडियो देता, अपन देखते हैं लाइव कैसे क्या होता है। जे एसएल आप देखे तो अपन मार्च का पूरा देख लेते हैं, अपन मार्च का पूरा देख लेते हैं। मार्च का जैसे कि ये मार्च है ना, ये मार्च कितना कितनी ट्रेड सही हुई अभी तक, एक ट्रेड यहाँ पे सही होगी, यहाँ पे ऐसे लगाया, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ को आपको 50-60 पॉइंट में आपको मिल चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे वापस हिट हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट जरूर मिले होंगे, 40 से 50 में 100% मिले होंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं अपन, फिर यहाँ देखते हैं, जिसे यहाँ देखा, जब तक इसको ब्रेक नहीं करा, यहाँ पे ऐसे लेट हुआ, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लेट हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 15 मिनट का यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ऐसे लेट हुआ, कोई बात नहीं,
ठीक है, तीसरी बार तीन ट्रेड करो तो महीने में 20 ट्रेड करो, 20 ट्रेड के अंदर 5, 10, 7 या 8 ट्रेड में अगर कंफर्मेशन ट्रेड मिलती है आपको तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब देखते हैं आपको जैसे कि है, जिस दिन का मार्केट अगर कंटिन्यू रहा उस दिन मार्केट आपको एक ट्रेड देने वाला है। चलो यहाँ पे भी गलत हो गया, कोई भी बात नहीं, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, ऊपर गया वापस या वापस रुक गया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ होगा, ये आपको ट्रेड सही होगी। ठीक है, फिर देखते हैं नीचे, देखते हैं अब देखते हैं ये देखिए, फर्स्ट 50 मिनट के कैंडल को ब्रेक किया, ब्रेक किया अपने ट्रेड यहाँ पे ली, आपका ऐसा क्या होना चाहिए, इसको ऊपर क्लोज होना चाहिए, क्लोज नहीं करी और फिर नीचे आया, फिर ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिला होगा, डाउन ट्रेड, पूरा डाउन ट्रेड मिला आपको। ठीक है, ये 50 मिनट कैंडल, इसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया ली अपने यहाँ पे, यहाँ पर आपको 50 to 60 पॉइंट आराम से मिले होंगे, मोस्ट प्रॉफिटेबल टेबल आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें इसके अंदर 50 से 60 पॉइंट आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, 50 से 60 पॉइंट आपको मिलते ही मिलते हैं। ये देखिए, ये ट्रेड ली, ये 50 मिनट की कैंडल है। ठीक है, यहाँ ब्रेक किया लिया, लेकिन ऐसे लेट हुआ, ऐसे लेट होने के इसने वापस से ब्रेक किया, 12 बजे पर ब्रेक करता है 50 मिनट कैंडल को, 12-1 बजे पर, वो तो 90% वो तो उसी वे में जाएगी फिर। ठीक है, यहाँ ब्रेक किया, फिर देखिए मार्केट पूरा यहाँ पे नीचे। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन ये ऊपर कभी नीचे ब्रेक कर ही नहीं पाया, इसको देखिए वो वहीं पे सपोर्ट लिया, वहाँ पे उसको कभी ब्रेक कर ही नहीं पाया, अभी लास्ट में उसको ब्रेक किया, वहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ होगा। अगर मार्केट जिस दिन साइडवेज भी रखता है तो वो बेस्ट आपको कि साइडवेज मार्केट में आप बच जाओगे, जैसे कि आपने यहाँ एक देखिए पूरा साइडवेज मार्केट था, यहाँ पे आपकी ट्रेड पूरी बच चुकी होगी, ये 50 मिनट के कैंडल के अंदर ही मार्केट ने पूरा क्लोज दिया, तो आपको यहाँ पे एक भी ट्रेड नहीं बनी तो आपको ट्रेड लेनी भी नहीं है, जब तक क्लोज ना करे तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने पैसे बचाए, आपके पैसे यहाँ पे बच जाएंगे, साइडवेज मार्केट में पूरे पैसे बच जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन ऐसे लेट हुआ, कोई बात नहीं, फिर से यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, फिर मार्केट पूरा नीचे आ गया। देखा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो आपको ट्रेड बहुत सही तरीके से लेनी है, एक मंथ के अंदर आपको प्रोमो 7 या 8 ट्रेड आपको मिलने वाली, प्रॉफिटेबल मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिलने वाली, जो मार्केट वन वे मूव करेगा। ये देखिए 50 मिनट के कैंडल को इसने ये 50 मिनट की कैंडल थी, इसके अंदर मार्केट था, यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट पूरा ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ पे देख, ये मार्केट था, ये ब्रेक किया, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप ओपन होता है तो उस मार्केट में आपको बचना है, उस मार्केट में आपको बचना है। ये देखिए, आप इस जो ये वाला जो लॉजिक है उसको आप यूज़ करिए, आपको बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए, मैं आपको ये बताऊँ जैसे कि ये 50 मिनट कैंडल थी, ब्रेक किया, फिर मार्केट रुक नहीं पाया, 12 बजे बाद कभी मार्केट वेट नहीं करता, फिर कब 12 बजे बाद ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेक रुक नहीं। ये देखिए, ये इससे लेट हुआ, लेकिन ऊपर वापस ब्रेक किया, फिर ये मार्केट ऊपर, इस तरह से आपको ये प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकती है। मैं आपको जैसे बैक टेस्ट ले जाऊँ, आप बैक टेस्ट लीजिए, आप किसी भी मंथ में चले जाइए, सितंबर में गए, सितंबर में गए, ठीक है, सितंबर में जाने के बाद देखते हैं अपन कैसे क्या होता है। ये लोड हो रहा है, ये हो गया यहाँ पे सितंबर का, अब सितंबर का देखने के बाद चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर साइडवेज मार्केट भी रहा तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि यहाँ पे साइडवेज मार्केट है ना। अब देखिए, ये 50 मिनट की कैंडल थी, यह ब्रेक किया, सर आपका ऐसा लिट हुआ ही नहीं, वही मार्केट पूरा का पूरा ऊपर गया। ठीक है, 50 मिनट की कैंडल, इसको ब्रेक किया, लेकिन मार्केट पूरा साइडवेज ड्रॉप ही दिया। आपको साइडवेज मार्केट पूरा बचने का पूरा चांस मिलेगा, आपको साइडवेज मार्केट में बचने का पूरा चांस मिलेगा आपको, जिस दिन ट्रेंड रहा। दीजिए, ये देखिए, जिस दिन ट्रेंड रहा उस दिन आपको, ये देखिए, ये ब्रेक किया, सपोर्ट वहीं का सपोर्ट लगा, ये देखिए मार्केट, ये पूरा मार्केट नीचे आ गया। 50 मिनट कैंडल ब्रेक किया, ब्रेक करी, ये मार्केट नीचे, ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक करा, मार्केट ऊपर। ये देखिए, ये किसी को भी बैक टेस्ट कर लीजिए आप, ये ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, वापस नीचे मार्केट।
आपको टारगेट जो है कम से कम 50 पॉइंट का, आपको 50 से 60 पॉइंट का आपको टारगेट रखना है, ताकि उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, अगर अगर इससे हिट भी होने वाला तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लगा दीजिए, ताकि आपका लॉस ना हो, ताकि आपका लॉस ना हो, लॉस नहीं होगा तो आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये सितंबर अगस्त सितंबर की बात चल रही है, ये देखिए, ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, मार गया पूरा नीचे। ठीक है, अब ये देखिए, ये 50 मिनट कैंडल थी, ये भेज यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया। साइडवेज मार्केट में मैंने बोला था कि साइडवेज मार्केट के अंदर पैसा बच सकता है आपको, अगर आप 50 मिनट कैंडल को यूज़ करते हैं तो। ये मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगी अगर आप इसको सही तरीके से लॉजिक और माइंड सेट को सही रखोगे तो। बस आपको यू है कि ट्रेड सही लेनी है, आपको रूल्स बना देने हैं, 50 मिनट कैंडल का हाई और लो पे इसको लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इसको हाई लो लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको वेट करना है कि जब तक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं जाए तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आपको ये अगर ये वाली स्ट्रेटजी समझ में आती है तो आपको यूज़ कर सकता हूँ, और इसको यूज़ करना है 10 से 15 दिन या 50 दिन इसको यूज़ करना है, 15-20 दिन आपको, एक महीना दो महीना आपको यूज़ करिए, और यूज़ करने बाद उसको देखिए कि आप कितना प्रॉफिट हो रहा है। बस आपको बस लॉजिक से रखना है आपको, तो इसको यूज़ कर सकते आप। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।